काम तो आपको क्या करना है, आपको गाड़ी अपनी जैक पर उठा लेनी है। जैक पर उठाने से पहले एक एक आटा इसका ढीला कर लेना है दोनों का, मतलब सब बोल्ट के से हो गए के, फिर इसको जैक पे चढ़ाना, फिर जैक उठा के गाड़ी ऊपर ले लेंगे अपने। तो अभी ने खोल रहे हैं, हाँ अपने खोल रहे हैं टायर, तो ये खोल लेना है ऐसे एक एक बार आपका जो के हिसाब से बोल्ट खोल रहे हैं एक एक करके। गाड़ी लगता है जैक में नहीं है क्या, हैंड ब्रेक में ले लो पहले गाड़ी या गियर में। गाड़ी खोल रहे हैं, आपको ऐसा लगता है ओट लगाना कहीं तो पत्थर की ओट लगा दो दोनों में, तो सारे बोल्ट हमने ढीले कर लेते हैं। गाड़ी जैक पे ले लिए, दोनों जैक पे आ गई है, तब इसके पूरा खोलेंगे जो बचे खुचे हैं, तो सारे बोल्ट अब एकदम निकाल लेंगे। ये काम जैक से पहले आटा ढीला करने का फायदा है, आप यहाँ दम नहीं लगा पाओगे। तो बोल्ट खुल गए, अब ये पहिए निकाला है, निकालेंगे अपने। और पहिए की खासियत क्या, पहिया इसको वापस उसी गाड़ी के नीचे रख देंगे, जैक उतर जाए तो उसमें ही इसको इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, अब ड्रम खोलने की बारी है, क्योंकि ड्रम खोलने की बारी आती है तो कहीं लगा रहता है, कई बार नहीं रहता, फेंक देते हैं मैकेनिक, तो ये फोर पेयर खोल लेना अगर आपका लगा है तो। और ये नहीं खुल रहा है ना तो आपको WD-40 इस्तेमाल करना, कोई भी बोल्ट हो आपका ना खुल रहा हो तो उसके बदले WD-40 इस्तेमाल करना, तो आसानी से निकल जाएगा। ये भी काफ़ी रस्ट लगा हुआ है, ये नहीं निकल रहा है, थोड़ा पानी डाल दो उसके ऊपर, पानी डालोगे तो जहाँ जहाँ जंक लगा फटाफट ये पानी पहुँच जाएगा और वहाँ से पार्ट निकल जाएगा। इसको पीटेंगे, गेट निकल ले लेंगे, तब ये थोड़ा डिसमिस डाल के से करना पड़ेगा। तो ये आपका ये पानी बहुत ज़्यादा काम करता है, लेकिन आपकी ब्रेक की आधी सर्विस हो जाएगी सर। ठीक है, तो ये बाहर आ गया, खुल गया अपना। तब हैंड ब्रेक का केबल नीचे आता है, नीचे फंसा होता है ये वाले में, तब इसको खोलेंगे ये इसको, तो आपको एक्सेस मिलेगा उसका। ये स्प्रिंग छटकाएंगे पहले, तो इसके नीचे है हैंड ब्रेक केबल, तो पूरा ये खोलना पड़ेगा। स्प्रिंग छटकाएंगे वाली ये दिख रहे हैं ना ऊपर, इसको छटकाना रहता है। और आपको समझ में नहीं आया सपोज जैसे कि आपको फोटो नहीं याद रहता, मतलब इसकी पोजीशनिंग आपको बाद में याद ना रहे, इसका एक फोटो खींच लेना। ये स्प्रिंग अपनी निकल गई, देखो ये निकाल दी मैंने, अब ये क्लिप छटकानी है, आप देख रहे हो ये क्लिप पकड़ से दबेगी, ऐसे पकड़ेंगे इसको पकड़ से और उसको पीछे दबाएंगे और पीछे हाथ रखेंगे तो। और ये लोक वाली पिन होती है, पीछे अगर आप पकड़ नहीं पाओगे पिन को तो ये पीछे दब जाएगी और ये निकलेगी नहीं, तो उसको दबाना है और निकालना है। तो ये हल्का सा स्प्रिंग बस आपकी टाइट रहेगी तो ज़्यादा दम लगाना पड़ेगा, बाकी ये आधी रह गई, आधी बाकी है। ये थोड़ा दम लगाना पड़ा, इधर का छूटा हो गया। अब सेम उस साइड का भी निकाल लेते हैं, वो आपको नहीं दिखा रहा हूँ, इसको भी अपने छूटा कर लेते हैं, तभी आपका पूरा ड्रम का जो पैड है वो भी निकल जाएगा। ये स्प्रिंग संभाल के रखना इसको, इसमें से ट्विस्ट करके निकालना रहता है, घुमा के घुमा के इसको छटका लेंगे, ये आ जाएगा बाहर आपका। तब इसी से आप इसको सर्विस कर सकते हो, तेरा अपना हैंड ब्रेक का केबल जो टूटा है यहाँ से टूटा है, तो ये बदल देंगे अब यहाँ से डाल के, फिर जैसे खोले ना अभी आपको बता दूँ मैं, हैंड ब्रेक केबल लगेगा जैसे, पहले आपको निकाल लेनी है ये पिन, दिख रहा है ना यही पिन इसको रोकती है, और खो गई रहेगी तो बहुत मुश्किल है समझो इसका मिलना। और इसको निकालना बहुत मुश्किल पड़ गया, डिसमिस डालेंगे और इसको बाहर खींचेंगे, और ये आपका हैंड ब्रेक का जो टूटा है ये बाहर, ये रही पिन बहुत काम की चीज़ है, लोक मारती है मतलब आपके इसमें, तब डालते हैं अपने हैंड ब्रेक केबल, जो केबल है ना यहाँ पे लोक मारती है इसको, तो मूवमेंट नहीं होने देती आपके खींचने पे इसको। ठीक है, अब हैंड ब्रेक केबल, हैंड ब्रेक का केबल यहाँ से खींचेंगे और ये जहाँ होला ना आपका वहीं से डालना है आपको, और उसको उस तरफ बाहर खींच लेना है। ठीक है, कहीं फंसा हो तो आपको देख लेना फंसे नहीं। ठीक है, और ये है हैंड ब्रेक का केबल,
वहीं पे जाके वापस बैठ जाएगा। बैठ गया, अब वो जो लॉक पिन थी ये आपको इसको लॉक मारना है। बहुत काम की चीज़ है ये, दिखती छोटी सी है लेकिन है बहुत काम की। आपको दोनों होल में इसको मैच कर लेना है। तो लग गया लॉक, हाँ अब आपका हैंड ब्रेक का केबल मूव नहीं होगा। अब बाकी फिटिंग पहिए का कर देते हैं जिसे निकाले थे पूरा ड्रम, और इसको फिर अपने अंदर फिटिंग करेंगे। बताना भूल गया था आपको, जो हैंड ब्रेक का केबल का जो केबल है ना वो यहाँ लगेगा। इसको स्प्रिंग थोड़ी खींचनी पीछे और आपका ये हैंड ब्रेक केबल यहाँ फिट हो गया, ये ऐसे लग जाएगा। ठीक है, जैसे निकाले थे इसको ऐसे फिट कर देंगे और केबल खींच के टेस्ट कर लेंगे। ठीक है, तैसे इसको फिट करके अब मिलते हैं अपने वहाँ पे जहाँ केबल सेट करेंगे। तो दोनों एकदम फर्स्ट क्लास फिट हो गए। आपको स्प्रिंग फिर से एक बार सब चेक कर लेने की, कोई चीज़ रहना जा रही हो। ठीक है, तो उसके हिसाब से फिर अपने इसको वापस ड्रम में बिठा देंगे। ड्रम लेंगे, ड्रम में फिर आपको ऐसी एक चीज़ मैच करनी है जो अपने लोगों ने स्क्रू निकाला था वो इस वाले होल पे, ये वाला होल है ना और स्क्रू वाला ये होल, ये मैच करना चाहिए बस, और कुछ है नहीं। ठीक है, और ऐसे ही बस सेम नीचे का स्टड मिला के चढ़ाना रहेगा आपको ऊपर। ये पूरा फिटिंग कर दिया टायर का, तो अंदर का जो है ना वो केबल फिट हो गया। अब ये यहाँ सेट करेंगे तो इसके लिए भी जाना पड़ेगा नीचे। तो अभी आपको दिखाऊँ, ये टूटा हुआ केबल को आप फॉलो कर सकते हो। तो देखो ये रखो, यहाँ से आपको पास करना है। इससे पहले जाके उसको पुराने वाले की जगह बोल्टिंग लगी होगी उसको खोलना रहेगा। अपने चलते नीचे, फिर आपको जितना नीचे से व्यू दिख सकता है मैं उतना दिखाता हूँ। तो ये अपने आ गए नीचे, तो आपको वो दिख रहा है वो अंदर से केबल आता, वो ये वाला केबल टूटा अपना, ये वाला। ठीक है, और अभी देखो आप खोलना पड़ेगा एक 13 नंबर का बोल्ट, अगर आपको जस्टिफाई हो तो ये वाला। ठीक है, तो यहाँ 13 नंबर की गोटी लगाएंगे और इसको खोलेंगे। यहाँ से खोलने के बाद अपना नया वाला केबल यहाँ प्लेस होगा, तो ये पहले अपने खोलते हैं। ये निकल गया है, अब यहाँ से केबल खींचेंगे। तो पुरानी केबल आपको यहाँ धक्का मार के निकाल लेनी है। ठीक है, थोड़ा मुँह पे किचड़ा मिट्टी आ रही है। अभी फिर अपने इसको आपको कंडीशन दिखाऊंगा। ठीक है, ये हो गया। अब सेम ये चीज़ आपको ये वाले हिस्से से अगर आप दिखेगी तो ये ठीक है। तो यहाँ से मोबाइल दिख रहा है, ये रहा केबल, थोड़ा खींच रहा है। यहाँ पर भी कुछ लगा है क्या, और ये दिख रहा है ये। इस टाइम का ध्यान रखना हैंड ब्रेक केबल खींची ना हो, और यहाँ से निकालना रहेगा इसको सीधा करके। तो ये देखो, वहाँ से ऐसे निकाल दिया, और यहाँ पे आपको पुश करना पड़ेगा, थोड़ा लॉक टाइप करनी है और ऐसे खींच लेना है, तो आपका केबल ये बाहर। थोड़ा जुगाड़ वाला था हमने, ये हो गया केबल बाहर। केबल निकालते बाहर, केबल डालेंगे हम लोग तो पहले ये खांचे में, एक खांचे में से होते हुए ऊपर डालना ऊपर। ठीक है, ये ऊपर जाएगा और बैंड होके जहाँ से अपना लॉक निकाला है अगर दिख रहा होगा एक छेद में, इसको डालना है। और अभी कोई बोल्टिंग वोल्टिंग नहीं लगाएंगे, सीधे पहले इसमें से ये होल में से आपको दिख रहा होगा तो होल में से इसको पार करेंगे पहले। तो ये देखो वहाँ से अंदर करते हुए मैंने इधर ला दिया है। अब इसमें बिठाना है, लेकिन ये थोड़ा टेढ़ा हो गया तो यहाँ भी 10 नंबर लगेगा और पीछे 10 नंबर। इसको थोड़ा पीछे लेंगे फिर एडजस्ट करेंगे वहाँ पर ले आके, तो पहले खींच के पीछे लाते तब ये उसके खांचे में बैठेगा। तो अभी आपको दिख पाए तो ठीक है, तेरा इसको थोड़ा आपको दोनों तरफ से पानी से पकड़ना पड़ेगा, उसको खोलना पड़ेगा। ये खुल जाएगा, आपको दिख रहा है तो ये दूर पड़ रहा है, ये आइडिया आएगा। ये देखो ये खुल गया, तो ये पीछे आ गया। आप मैक्सिमम जितना पीछे ले सकते हो ले लो, बस निकाल मत लेना। ठीक है, और अब इसको इसमें टेढ़ा करके फंसाना है। तो ये देखो बैठ गया खांचे में। अब ये पीछे वाला बोल्ट आपको पुरानी पोजीशनिंग में ले जाना है टाइट करके, टाइम जाएगा ये चीज़ टाइट करने में, लेकिन अब इसको वो सेटिंग पे पुरानी सेटिंग पे ले जाने की कोशिश करनी है। तो ये पूरा हो गया, थोड़ी पोजीशनिंग पीछे आई क्योंकि ये वाला केबल अभी टाइट है, ये ढीला है, तो आपको इसके साथ सेटिंग कर लेना है टायर घुमा के भी। ठीक है, फिर ऐसा नहीं पुरानी पोजीशन में ले जाने की कोशिश करोगे, ये दो केबल वाला इसलिए प्रॉब्लम है। अगर सिंगल केबल वाला रहता तो टेंशन ही नहीं रहता, दोनों में एक जैसा होता। अभी एक भी थोड़ी दिन ज़्यादा हैंड ब्रेक लगेगी कम लगेगी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपका हैंड ब्रेक काम करेगा धीरे धीरे इस पोजीशन पर आ जाएगा। और ये थोड़ा बैंड हो गया है एक केबल पर काम करने की वजह से, ये थार में है, दो केबल अलग अलग सेपरेट है, तो एक प्राइस को सेविंग भी है, ये फ़ायदा भी है। तो ऐसे आप कर लेना है, तब बोल्टिंग उसके हिसाब से सेटिंग करनी है। और फिर जो लास्ट में बोल्ट बचा था एक,
शक्ति वाला बोर्ड लगा लेना है और ऐसे हैंड ब्रेक हो जाएगा। अभी मैं आपको बाहर आके दिखा देता हूँ भैया कितना फ्री है। बिल्कुल लगा दिया है ये केबल, मतलब बहुत टाइट नहीं चलना चाहिए है, अभी हो जाएगा लेवल में। ठीक है, केबल नया है ना, इसलिए खींचेंगे एक दो बार तो बराबर हो जाएगा। जैसे अपने इसको बदल दिया क्या बोलते हैं हैंड ब्रेक केबल को, और ख़त्म करते अपना वीडियो। वीडियो पसंद आया लाइक और शेयर करो, आप मेरे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।